Hi, my name is Devabrata Rai and I am here to help you learn spoken English. कुछ simple नियमों की चर्चा करके हम लोग किस तरह से fluently English बोल पाएंगे वो सीखेंगे. आज हम लोग सीखेंगे वर्तमान में कोई जब घटनाएं घट रही हो तो उसको किस तरह से बोला जाए. आप देख रहे हैं, you are watching. हम सीख रहे हैं, we are learning. आप मदद कर रहे हैं, you are helping. आपकी मदद की जा रही है, You are being helped. पहले प्रकार की सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रही है, यू आर हेल्पिंग, इसका मतलब आप खुद हेल्प कर रहे हैं किसी दूसरे को. दूसरे पे सब्जेक्ट पे कार्रवाई हो रहा है, यानी सब्जेक्ट खुद कोई काम नहीं कर रहा है. यहाँ पे यू सब्जेक्ट है लेकिन यू हेल्प वाला काम नहीं कर रहा है, कोई दूसरा हेल्प कर रहा है आपको. तो पहले प्रकार सेंटेंस को एक्टिव सेंटेंस कहा जाता है. जब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो सब्जेक्ट के बाद एम एस आर का प्रयोग होगा, उसका बाद मेन वर्ब के साथ आई एन जी हो जाएगा. दूसरी प्रकार के सेंटेंस में जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो रहा है तो इसको पैसिव सेंटेंस कहा जाता है, पैसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस. इसमें सब्जेक्ट, उसका बाद एम एस आर का प्रयोग, उसका बाद बीइंग, फिर मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा. पहले सेंटेंस में आप मदद कर रहे हैं किसी दूसरे को, दूसरा सेंटेंस में आपकी मदद की जा रही है किसी दूसरे के द्वारा. बच्चे को खिलाया जा रहा है, द बेबी इज बीइंग फेड. आपको बताया जा रहा है, यू आर बीइंग टोल्ड. आपसे निवेदन किया जा रहा है, यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड. चावल पकाया जा रहा है, राइस इज बीइंग कुक्ड. यात्रियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अनुरोध किया जा रहा है, द पैसेंजर्स आर बीइंग रिक्वेस्टेड टू कीप सेफ डिस्टेंस. हम उनकी उम्मीद कर रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग हिम. उनकी उम्मीद की जा रही है, ही इज बीइंग एक्सपेक्टेड. मैं आपको प्रशिक्षण दे रहा हूँ, आई एम ट्रेनिंग यू. आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यू आर बीइंग ट्रेन्ड. इस तरह से. नाउ इफ समथिंग इज गोइंग ऑन एट दिस प्रेजेंट मोमेंट देन वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस. व्हेन द सब्जेक्ट इज डूइंग द जॉब दैट टाइम दीज आर द एक्टिव सेंटेंसेस. सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड एक्टिव सेंटेंसेस. जस्ट लाइक दैट आई एम टीचिंग यू, आई एम हेल्पिंग यू, यू आर लिसनिंग द वीडियो. This kind of sentences. But when the subject is not doing the job, the subject is inactive. The verb is passive or in the passive voice. Just like that, you are being instructed, you are being helped. This kind of sentences. We must use subject, MZ, being, past participle form of the verb. Now, if you think these are helpful for you, I am helping you really, then you can share, like, and subscribe my channel so that I can make more videos for you. Thanks.